मुंबई लोकल ट्रेन स्टेशन पिल्लो ऑमलेट वाला। सुदर्शन पांडे नाम का एक युवक पिता के देहांत के बाद छोटे मोटे मजदूरी के काम करते हुए माँ और बहन बेबी की देखभाल कर रहा था। बेबी स्कूल में पढ़ रही थी। वो बहुत होशियार थी। एक बार माँ सुदर्शन से, बेबी फीस नहीं भरी है कहकर स्कूल में पूछ रहे हैं। इस महीने के अंदर पूरा फीस नहीं भरे तो पब्लिक परीक्षा लिखने के लिए कुछ टिकट विकेट नहीं देंगे बोल रहे हैं कहकर कह रही है। ये बात तुमसे कहने वो हिचकिचा रही है, बोली सुदर्शन तब। ओह ऐसा क्या, पैसे नहीं भरे तो हॉल टिकट नहीं देंगे माँ? सच है, मगर इस महीने के अंदर उतने पैसे कमाना मुश्किल है। मुझे कर्ज देने वाला भी कोई नहीं है, तुम्हें एक काम करना होगा, कहा माँ तब। बोलो बेटा, मुझे भी मजदूरी के लिए ले जाओगे क्या? वैसे भी मैं घर में बैठकर क्या करूंगी, बोली सुदर्शन तब। चह, तुम मजदूरी क्यों करोगी माँ? अगर कुछ जरूरत पड़े तो काम आएंगे कहकर मैंने 800 रुपए तक पेटी में जमा करके रखा है। जैसे तुम घर में बैठते हो वैसे ही घर के बाहर एक चूल्हा रखकर मुर्गी के अंडों से ऑमलेट बनाकर बेचो, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। चाहे जितने भी पैसे मिले हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए ना, कहा बेबी तब। भैया ने सही कहा माँ, स्कूल होने के बाद मैं भी आकर ऑमलेट बनाऊंगी। वो देखो हमारे घर के बाहर एक बड़ा गेट है ना, वो एक तकिए और गद्दे तैयार करने वाली कंपनी है। उसमें 30 लोग काम करते हैं। वो लोग बीच बीच में बाहर आकर साइकिल पे टी बेचने वाले के पास से टी खरीद कर पीते हैं। हम ऑमलेट बनाए तो वो लोग देखकर जरूर खरीदेंगे। एक और बार आपके जैसे साधारण छोटे ऑमलेट नहीं, थोड़े बड़े साइज में पिल्लो ऑमलेट बनाकर बेचे तो अच्छा रहेगा। एक ऑमलेट खाए तो पेट भर जाएगा, सोचकर सब आकर खाएंगे, बोली सुदर्शन तब। इसकी होशियारी तो देखो माँ, मेरा बस हो तो मैं इसे कलेक्टर बनाऊंगा, कहा। ऐसे उनका पिल्लो ऑमलेट का व्यापार शुरू हुआ। जिन गांव वालों को छोटे छोटे ऑमलेट खाने की आदत थी, उन्हें बड़े बड़े पिल्लो ऑमलेट खाना अच्छा लगने के कारण वो उमड़ कर आने लगे। सुदर्शन 4 दिनों से घर में ही रह रहा था। एक बार माँ उससे, क्या हुआ बेटा, काम को क्यों नहीं गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या, कहकर पूछी सुदर्शन तब। मुझे काम नहीं मिल रहा है माँ, काम रहता तो कॉन्ट्रैक्टर फोन करते थे, कहा बेबी तब। कॉन्ट्रैक्टर कब बुलाएगा कहकर हरदम इंतजार करने के बदले तुम्हें एक आइडिया बताऊंगी, सुनोगे क्या, बोली सुदर्शन तब। वो क्या है, पैसे आने वाला काम है तो मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ, कहा बेबी तब। हमारे लोकल रेलवे स्टेशन में तुम भी पिल्लो ऑमलेट्स बेचो। स्टेशन के पास आने जाने वाले ट्रेन कम से कम 20-30 तो होंगे, वो थोड़ी ही देर रुकेंगे, तब तुम हमारे पिल्लो ऑमलेट्स एक थाली में रखकर बेचो। मेरे हिसाब से हमारे पिल्लो ऑमलेट्स के साइज को देखकर सारे यात्री आकर्षित होकर तुरंत खरीदेंगे, बोली माँ भी। ये आइडिया अच्छा लग रहा है बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है, बोली। ऐसे सुदर्शन ट्रेन में रेल के रुकते ही ऑमलेट ऑमलेट पिल्लो ऑमलेट पिल्लो ऑमलेट कहकर पुकारते हुए रेल के पास बेचने लगा। बाद में खाली थाली के साथ सुदर्शन घर को आकर, बेबी क्या दिमाग है तुम्हारा, सारे के सारे ऑमलेट बिक गए हैं, कहकर पैसे बेबी को देकर अब से आए दिन ऑमलेट बेचने के पैसे तुम्हें ही दूंगा, फीस भर दो, कहा। उस दिन ट्रेन के रुकते ही सुदर्शन थाली लेकर ट्रेन के पास जाने लगा तो वहीं रुको कहकर एक आवाज सुनाई दी। वो मुड़कर देखा तो दो लोग गुस्से से उसे देख रहे थे। एक, इस स्टेशन में कोई भी चीज हो वो हम ही बेचते हैं, स्टेशन मास्टर ने सिर्फ हमें ही परमिशन दिया है, तुम किससे परमिशन पूछकर ऑमलेट बेच रहे हो, तुम्हारे ऑमलेट के वजह से हमारे स्नैक्स की बिक्री नहीं हो रही है, जाओ बाहर, कहकर एक ने पुकारा। सुदर्शन तब, भाई मेरी बहन की स्कूल फीस भरनी है भाई, नहीं तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी, कहकर मिन्नतें करने लगा। वो तब, वो सब हमें क्यों, तुरंत बाहर जाओ, कहा। अब सुदर्शन को भी गुस्सा आया और वो, ये पब्लिक स्टेशन है तुम्हारा नहीं है, कहा। वो तब, बोले तो सुनाई नहीं दे रहा है क्या, कहकर सुदर्शन के कॉलर को पकड़कर प्लेटफॉर्म के एंट्रेंस के पास लाकर वहाँ चौक पीस से एक लकीर घिसकर, तुम यहाँ तक ही आ सकते हो, इसे पार करके प्लेटफॉर्म पे आए तो तुम्हारी हड्डी फसली तोड़ दूंगा, याद रखना, कहा।
बेबी घर के पास। रूल के प्रकार स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। सिर्फ स्टेशन मास्टर के परमिशन से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे कहने पर वो लोग भी साधारण कपड़ों में ही हैं। इससे पता चल रहा है कि उन्हें भी लाइसेंस नहीं है, मगर उन्हें उस स्टेशन मास्टर का सपोर्ट तो है। ठीक है, कल से तुम ऑमलेट लेकर ठीक उस लकीर के इस पार ही रहो। यात्री तुम्हारे पास आकर खरीदे जैसे मैं करूँगी, बोली। बेबी एक बोर्ड पे कलर पेंसिल से एक छोटा साधारण ऑमलेट और उसके बगल में बड़ा पिल्लो ऑमलेट को ड्रॉ करके स्टेशन में फिरते हुए, पिल्लो ऑमलेट एक खाए तो रात तक भूख नहीं लगेगी जी। स्वादिष्ट पिल्लो ऑमलेट एंट्रेंस के पास ही है, खाइए, स्वाद देखिए, कहकर पुकारने लगी। उस बोर्ड पे पिल्लो ऑमलेट को देखकर यात्री वहां जाकर ऑमलेट खरीदने लगे। ऐसे वो वहां पर बहुत सारे ऑमलेट्स बेचने लगा। एक बार सुदर्शन बेबी से, आए दिन 6 प्लेट ऑमलेट बिक रहे हैं, व्यापार अच्छे से चल रहा है, कहा बेबी तब। अब मुझे स्टेशन को आने की जरूरत नहीं है, स्टेशन में पिल्लो ऑमलेट की ही चर्चे हो रहे हैं, बोली सुदर्शन तब। हाँ, ट्रेन छेड़ने वाले, उतरने वाले सब आकर ऑमलेट खरीद कर ले जा रहे हैं, कहकर खुशी से कहा।